बात कर लेते हैं लखनऊ की। एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर आपको ये बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ में गड्ढा मुक्त अभियान शुरू हो रहा है, गड्ढों में भरने के लिए लगातार नगर निगम जुटा हुआ है, जहां कई जगह सड़क निर्माण भी किया जा रहा है। ओम मंदिर के पास सड़क बनाई गई, नगर निगम ने ये सड़क बनवाई थी, दो दिन में बिजली विभाग ने सड़क को खोद दिया। तो वहीं बिजली विभाग ने बिना अनुमति सड़क को उखाड़ा है, जिसको लेकर नगर आयुक्त नाराज भी देखने को मिल रहा है। हजरतगंज थाने की में शिकायत भी की गई है, जहां बिजली विभाग पर नगर निगम जुर्माना लगाएगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो नगर निगम के द्वारा गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें तमाम जो सड़कें खराब थी, जहां पर गड्ढे थे, उन्हें भरा गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बिजली विभाग ने बिना अनुमति लिए ही उन सड़कों को उखाड़ दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल भी है, और यहां बिजली विभाग ये भी कह रहा है कि नगर निगम के द्वारा शिकायत भी की गई है, जहां नगर निगम ने जुर्माने की बात बिजली विभाग से की है। ज्यादा जानकारी लेके शादाब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शादाब, एक और नगर निगम अभियान चला रहा है, तो उसी अभियान पर बिजली विभाग पलीता लगाता नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुपमा, मैं आपको बता दूं कि ये कल का मामला है, जब नगर निगम गड्ढा मुक्त अभियान चला रहा था, जिसमें जो सड़कें हैं, जो गड्ढे हैं वहां पर गड्ढे बंद करने की बात करते हैं नगर निगम, वहां पर वो कार्य कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही वो बना के वहां से निकलते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद ही जो बिजली विभाग के कर्मचारी है वो वहां पे आते हैं, वो उसको खोद देते हैं और अपना काम करते हैं। जिसको लेकर जो नगर आयुक्त है उनको सख्त नाराज हुए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से अगर बारिश होती है और ऐसे कई चीजें सामने आती है जिससे लोगों को, जनता को परेशानी होती है, उसके बावजूद भी बिजली विभाग इस चीज को ना सोच के वो जो सड़कें हैं उसको खोद रही थी, उसको लेकर नगर आयुक्त सख्त हुए। और साथ ही आपको बता दें कि थाना हजरतगंज में लखनऊ के वहां पर एक तहरीर दी गई है। अभी फिलहाल FIR की तो बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से तहरीर दी गई है और जो रुख है नगर आयोग का, उसको देखते हुए तकरीबन FIR होना तय है। उसके अलावा जो भी इसका नुकसान हुआ है वो भी जो जुर्माना है वो बिजली विभाग से वसूला जाएगा। हालांकि अभी जो नगर आयुक्त है, नगर आयुक्त का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये हरकत की गई है ये निंदनीय है, और अगर इनको सड़क खोदनी थी या इनका कोई कार था तो उसके लिए इनको परमिशन लेनी थी नगर निगम से, लेकिन बिजली विभाग ने ऐसी कोई परमिशन नहीं ली और उन्होंने सड़क खोद दी, जिसको लेकर जो नगर आयुक्त है वो लगातार नाराज है और वो हो सकता हो इन पे FIR भी करें। हालांकि जो तहरीर है वो नगर निगम की तरफ से थाना हजरतगंज में दे दी गई है, लेकिन अगर FIR की बात की जाए तो अभी FIR तो नहीं, लेकिन जिस तरह से हालात है तो FIR होना बिजली विभाग पर तय है। जी बिल्कुल। तो जिस प्रकार से नगर निगम साफ तौर पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहा है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिजली विभाग को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अनुमति लेनी जरूरी होती है, लेकिन बिना अनुमति के ही सड़कों को खोद देना कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो दो दिन में बिजली विभाग ने सड़क को खोद दिया, जिससे नगर निगम ने नाराजगी जाहिर की है। नगर निगम का साफ तौर पर कहना है कि इसमें अनुमति लेने की जरूरत थी, लेकिन बिजली विभाग ने इसकी कोई अनुमति नहीं ली, इसलिए नगर निगम अब जुर्माने की तैयारी कर रहा है। बिजली विभाग पर जुर्माना लगाने की बात भी यहां पर कही जा रही है।